हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले इस सेशन के शुरुआत करने के पहले इंपॉर्टेंट बातें, आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपी कांस्टेबल और ये 2023 की भर्ती तो आ ही चुकी है, आप सबको पता है। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्यारे बच्चों जरूर देखिए, ठीक है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि सेशन को शुरू करने के पहले मैं कहना चाहूँगा कि UPSI और ASI, ठीक है, इसकी भी नई भर्ती आई है जिसका कि नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर के जरूर देखिएगा, ठीक है। ये SI का जो भर्ती आया है ये सिविल पुलिस का नहीं है, ठीक है, सिविल पुलिस का नहीं है, ये गोपनीय विभाग का है, कॉन्फिडेंशियल जो पुलिस के विभाग होते हैं ये उसकी रिक्रूटमेंट है, ठीक है। 900 करके कुछ पोस्ट है शायद, 961, तो नोटिफिकेशन का लिंक मैंने दे दिया है, देखिएगा जरूर। साथ ही साथ जो भी बच्चे बेटा पहली बार इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े हैं, तो सबसे पहला काम बेटा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फायदे की चीजें होने वाली है अगर आप मेरे साथ इस चैनल में जुड़ते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये, लास्ट चीज ये है कि तैयारी सबकी एक ही है, चाहे SI हो चाहे कॉन्स्टेबल हो। तो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से मैथ्स के आप लगाते रहिए और अपनी तैयारी को पुख्ता करते रहिए, एक सीट अपनी पक्की करें जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा। तो चलिए बिना कोई वक्त जाए के हुए बिल्कुल एकदम सटीक रूप से सेशन की हम शुरुआत करते हैं, और सबसे पहला सवाल आपके सामने ये, ठीक है, आपके स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। देखो ये एक बार ग्राफ दिया हुआ है, ठीक, हो सकता है कि आपको इसकी रीडिंग ना दिख रही हो, तो उसके लिए बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको बता दूंगा। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दंड आरेख और आंकड़ों का अध्ययन करें। ABC और D चार विभिन्न कंपनियों का निवेश, कारोबार और लाभ दिया गया। अब मेरी बात को सुनो, ठीक है, क्या क्या दिया गया है, इन्वेस्टमेंट, टर्न ओवर और प्रॉफिट, ठीक है। ये देखो चार कंपनी है, चार कंपनी क्या क्या है, ए बी सी और डी, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला वाला जो चीज है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा वाला जो ये लाल में दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, टर्नओवर। और लास्ट वाला क्या है बेटा, प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल सा ये चार्ट है, बार ग्राफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। और इसको चार्ट के रूप में बेटा देखो यहाँ पे दिया है, थोड़ी अपनी आंखों को थोड़ा आप और थोड़ा जोर देंगे तो आप देखेंगे, ठीक है, कि आपको रीडिंग सही से दिखेगी, बाकी मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। बोला क्या गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी डी इज प्रॉफिट ऑफ कंपनी सी, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी डी के तरफ चलो, कंपनी डी के तरफ चलते हैं, और इसका बोला है टर्नओवर। टर्नओवर यानी कि बीच वाले हिस्से के बारे में बात कर रहा है। टर्नओवर कितना है बेटा, 4.5 दिया है, ठीक है, आप यहां से भी देख सकते हैं कंपनी डी का टर्नओवर कितना है, 4.5, सारी यूनिट्स लैक में है, ठीक है। इज प्रॉफिट ऑफ कंपनी सी, कंपनी सी का प्रॉफिट, कंपनी सी कहाँ है, कंपनी सी है, कंपनी सी का प्रॉफिट क्या है, ये आप देख रहे होंगे वैल्यू 7.5, ठीक है, 7.5। तो हमें पता किसके रेस्पेक्ट में करना है, हमें टर्नओवर के रेस्पेक्ट में करना है, कुछ नहीं 7.5 को ऊपर रखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में पता करना है उसको नीचे रखेंगे, और चूंकि प्रतिशत पता करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, 5 का 9 बार में, 5 का 15 बार में, 3 5 जा 3 3 जा, मतलब आपके पास 500/3% आएगा, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा सिंपल सा 166.66%, 166.66%, या फिर 166.2/3%, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आपको गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है, ये आपके पास देख सकते हैं, ये जीपी दिया गया है, तो आपको जीपी का यहाँ पे सम पता करना है, सिंपल सा सवाल दिया गया है। तो देखो एक चीज याद रखे रहो, जीपी का फॉर्मूला, ठीक है ना, आधी अधूरी जानकारी नहीं रखनी है, पूरी जानकारी सटीक रूप से रखनी है, तो बातों को ध्यान से सुनना। जीपी में सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस का एक डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ये फॉर्मूला अक्सर यही फॉर्मूला यूज किया जाता है, और एक और इसके साथ फॉर्मूला होता है कि ए, ठीक है, एक और फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिख दे रहा हूं, ए इंटू, जस्ट इसको उल्टा कर दो, 1 माइनस आर की पावर एन और फिर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर,
ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब आर की जो वैल्यू होती है वो वन से बड़ी होती है, ठीक है। और ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब आर की जो वैल्यू होती है वो एक से छोटी होती है। देख भी सकते हैं आर बड़ा होगा तभी तो आर माइनस वन करके कर रहे हैं, और आर छोटा होगा तभी वन माइनस आर करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं ए क्या है बेटा, ए हो गया 3/7, ठीक है। एन पदों का योग निकालना है, ए का वैल्यू क्या हो गया 3/7, ठीक। अब देखो कॉमन रेशियो निकालना है, कैसे निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो। अब देखो 3/49 फिर डिवाइडेड बाई 3/7 कर देंगे, सात का कितने बार में जाएगा, सात बार में, और तीन से तीन कट जाएगा, मतलब कॉमन रेशियो का जो वैल्यू आया वो कितना आया 1/7, ठीक है। अब ये जो कॉमन रेशियो है ये क्या एक से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला बेटा यूज करेंगे, ये दूसरा वाला, ठीक है। तो a इंटू वन माइनस आर, वन माइनस आर यानी कि 1/7 की पावर n, ठीक है, सिंपल, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस आर, मतलब ये कलेक्टिवली कितना हो जाएगा, 6/7 के बराबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो सात से सात कट गया, और ये तीन कितने बार में काटेगा, दो बार में, मतलब कुल मिला के प्यारे बच्चों आपका आंसर जो आ जाएगा 1/2 की ब्रैकेट में 1 माइनस 1/7 की पावर n, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सिंपल सा है। तो इन फॉर्मुलों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, फॉर्मूले आपको बेटा पता होना चाहिए, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं वो आपको पता होना चाहिए, लर्न बाय हार्ट, ठीक है। तो उन चीजों को बिल्कुल दिल से लगा करके याद रखे रहिए, कि गलती से कभी कोई रात के 3 बजे भी उठा के पूछ ले तो आपको वो चीजें टपाटप मुंह से निकल जाए, ठीक। अगला सवाल, ठीक है, 1600 मीटर लंबा एक ट्रक 112 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, चलने देते हैं, उसी दिशा में, ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में 82 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 1500 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में उसे कितना सेकंड का समय लगेगा। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो 2021 में दरोगा की भर्ती में पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखो सीधे सीधे क्या करना है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे बेटा हमें क्या बताना है, समय बताना है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात हो रहा है, ट्रक और ट्रेन। ट्रक की लंबाई कितनी है बेटा 1600 मीटर, ठीक है, प्लस ट्रेन की लंबाई कितनी है 1500 मीटर, ठीक है। ये जो सारी चीजें दी गई हैं ये किसमें दिया गया है, आपको टाइम बताना है सेकंड में, ठीक। अब स्पीड, स्पीड क्या है बेटा, जब समान दिशा है तो स्पीड क्या होता है, अंतर होता है, तो 112 माइनस 82, 112 माइनस का 82, ठीक है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे बड़े प्यार, ठीक है। अब देखो 1600 प्लस 1500 प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 3100, इसको करेंगे 2 में से 2, 11 में से 8 गया 3 × 5, और फिर 18 को ऊपर भेज देते हैं, क्यों इतना कष्ट करना हो रहा है, 0 से 0 हो गया, ठीक है, 3 का कितने बार में जाएगा 6 बार में, और ये 5 × 6 = 30, 10 यानी कि 5 × 2 = 10, तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा 6 × 2 = 12, 6 × 36 = 37, यानी कि 372, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, ठीक है, ओके। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ये सवाल देखो बेटा, इस तरह के सवाल प्रीवियस शिफ्ट में भी हमने किए हैं, तो अगर आप मेरी वीडियोस को लगातार देख रहे हैं तो आपको इस तरह के सवाल अब बनने लगे होंगे, ठीक है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर वह मूल्य अंकित करता है जिस पर 60% की छूट देने के बाद भी वह 10% का लाभ कमाता है, जिस वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। बेटा हमेशा याद रखे रहिए, जब कभी भी सवालों में, ठीक है, मैं जो बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, जब कभी भी सवालों में प्रॉफिट, ठीक है, और डिस्काउंट या लॉस और डिस्काउंट इस तरह की चीजें करके कंबाइन करके दिया रहे, कुछ नहीं करना है आपको, बस एक दो चीजों का ध्यान देना। सबसे पहले ऐसे सवालों में इस तरह से अप्रोच करिए, सबसे पहले लिखो MP मतलब मार्केट प्राइस, फिर लिखो SP और फिर लिखो बड़े प्यार से CP, ठीक है। अब देखो डिस्काउंट कितना है 60% का, 60% का डिस्काउंट यानी कि 60/100 मतलब 6/10 हुआ कि नहीं,
इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा और 2 का 5 बार में, ठीक है। मतलब ये ऊपर वाला हो गया बेटा डिस्काउंट और नीचे वाला क्या हो गया मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मार्केट प्राइस की जगह पे लिख दो 5, कितने का डिस्काउंट है 3 का, तो 5 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, और वही हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अंकित मूल्य में से हम डिस्काउंट मतलब बट्टा घटा देते हैं तो क्या मिलता है विक्रय मूल्य, क्लियर है। ये हो गया डिस्काउंट का कोटा पूरा। दूसरा प्रॉफिट हो गया 10%, प्रॉफिट कितना हो गया 10% मतलब 1/10 प्रॉफिट दिया जाता है सीपी पे, और ये ऊपर वाला हो गया प्रॉफिट, सीपी कितना है 10, तो उसको सीपी के साथ लिख दो। प्रॉफिट हो गया 1, तो 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बेटा अपना हो गया टेबल कंप्लीट। और आपको कुछ नहीं करना है, इसका आप निकाल लो रेशियो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा रेशियो कैसे निकालते हैं, इस 2 को यहाँ पर ढकेल दो, इस 11 को यहाँ पर ढकेल दो, ठीक है ओके। अब क्या करो मल्टीप्लाई, 5 का 11 से कितना होगा 55, 2 का 11 से करो कितना हो जाएगा 22, और 2 का 10 से करो कितना हो जाएगा 20। समझ में आ रहा है, आप देख रहे हैं कितने छोटे स्टेप में हम चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करना है, कोई ट्रेडिशनल तरीका लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सिलेक्शन से आप बहुत दूर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो सवाल में क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है हमें मार्केट प्राइस पता कर, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 20 यूनिट, मतलब 22,100 रुपया जो दिया है ये कितने यूनिट का वैल्यू है 20 यूनिट का, हमें पता करना है मार्केट प्राइस जो कि कितना है 55 यूनिट, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दो, 0 से 0, 2 से कितने बार में जाएगा 2 का 11 बार में, और 0 5 करेंगे तो 55 बार में, 1105 × 55 करके देखोगे तो 60,775 आपका आंसर आएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन की चीजें हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसे सामने मल्टीप्लाई करके दिखाऊं तो ये भी देख लो, मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाऊं, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। ये देखिए मैं मल्टीप्लाई आपको करके दिखा रहा हूँ, 1105 × 55 क्या हो जाएगा, ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 = 25, 5 11 = 55 और 0, और फिर हो जाएगा 55 25। सॉल्व करोगे 5 2 7 7 5 5 10 60,775, मुझे कितना समय लगा मुश्किल से 2 से 3 सेकंड। तो इसी तरह से आप भी सीखना चाहते हैं कमेंट जरूर करें, ठीक। इसका आंसर क्या हो गया 60,775। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। हाँ, ये सवाल बहुत ही लोगों के लिए कंफ्यूजन भरा सवाल होता है, लेकिन इस तरह के सवालों को एक बहुत ही सिंपल तरीके से किया जा सकता है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे पहले सवाल की रूपरेखा समझ लीजिए। When a number is divided by 6519, it gives the remainder 97. किसी नंबर को 6519 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है 97। तो बोला गया है what will be the remainder in the same number is divided by 53. बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कभी भी आज के बाद कभी भी ऐसा सवाल पूछे बस जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको यूज करना, और कोई फालतू का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। करना क्या है ध्यान से सुनो, किसी भी नंबर को 6519 से डिवाइड, बेटा हमने एक चीज पढ़ा है, क्या पढ़ा है बचपन में कि डिविडेंड, ठीक है, बराबर क्या होता है डिवीजर, ठीक है, इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये तो विभाजिता वाला जो नियम है सभी को पता होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जो नंबर है वो हम मान लेते हैं क्या है एन, ठीक है। इससे डिवाइड किया जा रहा है 6519 से, तो डिवीजर अपना क्या हो गया 6519, जिससे विभाजित करते हैं उसी को तो डिवीजर कहते हैं। क्वेश्चन अपने को पता नहीं है क्यों लिख दो, और रिमाइंडर कितना दिया गया है 97, ठीक है। अब सबसे पहला काम यह है हमको नंबर पता चल जाए, जब नंबर पता चल जाएगा तो हम इस 53 से डिवाइड कर देंगे तो अल्टीमेटली अपना रिमाइंडर भी आ जाएगा। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ पे बस आप क्या करो क्यू के जगह आपको बस क्या रख देना है 1, ठीक है। जितना बोल रहा हूँ बस याद रखो क्यू के जगह 1 रख दो, क्यू के जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रखोगे आंसर हमेशा सेम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं क्यू के जगह हम 1 रख के देख लेते हैं, क्योंकि जितना छोटा वैल्यू रखिएगा उतना ही आसानी से जवाब आए, ठीक है। तो 6519 × 1 कितना हो जाएगा 6519 + 97, बात समझ में आ रहा है। जोड़ दो 9 + 7 कितना हो गया 16, 9 × 10 हो गया 11, और ये हो गया 6 और 6 6616, ये हो गया आपके पास नंबर, कितना आसानी से आ गया। अब इसी 6616 को आपको किससे डिवाइड करना है 53 से, और बताना है कि रिमाइंडर क्या है। डिवाइड करके देख लो 6616
और किससे डिवाइड करें, 53 से। 53 का करो अगर आप एक बार में, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 53। 6 में से 3 गया, 3 6 में से 5 गया, 1 131, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 106। अब 11 में से 6 करोगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कितना आ जाएगा, 5, और ये हो जाएगा 25। तो 256 करिएगा, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि 53 का हम अगर लेते हैं 4 3 5 टाइम्स में करते हैं, 15 5 5 25 26, ये बड़ा होगा, मतलब चार बार में ही करते हैं, 4 3 12 4 5 20 21, ठीक है। बस डिवाइड कर रहे और कुछ नहीं कर रहे हैं। 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, शेषफल कितना आ गया प्यारे बच्चों, 44, ठीक, 44। और ये है इसका बेहतरीन भाग, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, कभी भी ऐसा सवाल आए उसको इस रूपरेखा में लिखिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस क्यू की जगह 1 पुट करो, नंबर अपने आप आपके पास निकल के आ जाएगा। उसके बाद जिस भी संख्या से बोला गया है उस संख्या से डिवाइड कर दीजिए, जो भी रिमाइंडर आएगा वही आंसर। जो वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ठीक। अगला सवाल आपके साथ, ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है, और ये सवाल बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब आसान है, लेकिन इसका करने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बस याद रखें वो, इस तरह का सवाल कई शिफ्ट में पूछा गया है। सवाल पहले पढ़ लेते हैं। शॉपकीपर हैज थ्री डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ मिल्क, ठीक है, थ्री डिफरेंट क्वालिटीज, यहाँ क्वांटिटीज नहीं होगा, क्वालिटीज हो, ठीक है, क्वालिटीज ऑफ मिल्क, तीन तरह के मिल्क है उसके पास। पहला क्वालिटी जो है उसमें 609 लीटर है, जो दूसरा क्वालिटी उसमें क्या है, 667 लीटर है, और तीसरा जो क्वालिटी उसमें कितना है, 725 लीटर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज इन विच डिफरेंट मिल्क ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज कैन बी फिल्ड विदाउट मिक्सिंग। हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। एक दुकानदार के पास दूध की तीन भिन्न किस्में हैं, पहली किस्म में इतना, दूसरी किस्म में इतना और तीसरे में इतना मात्रा है। सामान आकार की बोतलों की वह न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भिन्न किस्मों के दूध को बिना मिश्रण के भरा जा सके, ठीक। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे बस एक इसका कैच है, एक क्वेश्चन का, ठीक है। आपको तो बोला क्या है, आपको ये तीन अलग अलग तरह की ये दूध की क्वालिटी देकर के रखी गई है, उसकी मात्रा बता के रखी। सवाल में क्या बोला गया बच्चों, ठीक है, सवाल में क्या बोला गया है कि समान आकार का होना चाहिए और न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, मतलब तीनों की तीनों जो बॉटल हैं, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, समान आकार, तीन तरह की बॉटल होनी चाहिए क्योंकि उनको मिक्स नहीं करना है, और वो एक समान आकार की होनी चाहिए, ठीक है ना, और कम से कम होनी चाहिए। बेटा अगर कम से कम यूज करना है तो जाहिर सी बात है बॉटल का बड़े से बड़ा होना ज़्यादा जरूरी है। जब बॉटल जितना बड़ा होगा उतना ही हमको बॉटल की संख्या कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है, HCF निकालने के लिए। तो ऐसा कोई भी बच्चा अगर ये सोच रहा था कि लिस्ट दिया है तो हम LCM निकालेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। तो HCF क्यों निकाला जाएगा, मैंने आपको इसका कारण बता दिया, क्योंकि कम से कम बॉटल का हमें इस्तेमाल करना है तो साइज क्या होगा, बड़े से बड़ा, इसका मतलब क्या हो गया, हमें HCF निकालना, ठीक है। और सभी में सामान होना, मतलब सामान्य होना चाहिए, ये सभी में क्वालिटी सेम होनी चाहिए, तो HCF की वही खासियत होती है। तो क्या करना है, 609, 667 और 725, इसका हम निकाल देंगे HCF। और HCF बेटा जी अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 29, ठीक है, 29। क्या करना है, प्राइम नंबर से चेक करते जाना, ठीक है। जब आप 29 तक पहुंचोगे तो आप ये पाओगे 29 इन तीनों को डिवाइड करता है तो ये HCF। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करो, इन तीनों को जोड़ दो, ठीक है, 609 प्लस 667 प्लस 725, इस पूरे को इससे जोड़ने के बाद 29 से डिवाइड कर दो, जो आपके पास वैल्यू आएगा वही होगा आंसर का। जो आंसर होगा मैं बता दे रहा हूँ वो क्या होगा, 60, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद 29 से डिवाइड करके देखोगे आपके पास आंसर जो आ जाएगा 69, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सटीक तरीके से, ट्रिक कह लो या एक स्मार्ट तरीका कह लो, जो भी कह लो, एग्जाम रिलेटेड अप्रोच है, अच्छे तरीके से देखो, ठीक।
अगला सवाल, जॉर्ज ने एक नया भूखंड खरीदा जिस पर तत्काल बाड़ा लगाया जाना है, इस कारण आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई और साथ की चौड़ाई भी 11% कम हो गई, तो क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत कमी ज्ञात करें। बेटा जब कभी भी आपको गलती से दो बार परसेंट दिखे, ठीक है, मतलब कोई एक आयतकार है यानी कि रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई में भी और चौड़ाई में भी कमी हो रही है, मतलब मान लो ये अब कुछ ऐसा बन जा रहा है, ठीक है, छोटू सा बन जा रहा है, ठीक है ना, अब ये छोटा सा बन जा रहा है, तो जब कभी भी दो क्वांटिटीज कम या ज्यादा होती हैं तो उसके प्रतिशत बदलाव के बारे में पूछे, तो आपको हमेशा याद रखे रहना है कि जो प्रतिशत बदलाव या परसेंटेज चेंज जो होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा, और कुछ मत यूज करिएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। आई होप आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखे रहो कि अगर चीजें बढ़ती हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्लस, अगर चीजें घट रही होती हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, माइनस, ठीक है। साइन को चेंज नहीं करना है, ए बी की साइन को चेंज करना है, जो बीच में प्लस दिया हुआ उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। अब देखो मतलब ए कितना हो गया, कम हो रहा है, मतलब माइनस 11, और बी भी कितना हो गया पहले बच्चों, माइनस 11, ठीक है, दोनों ही कम हो रहे हैं। अब रखो यहाँ पे ए की जगह माइनस 11, ठीक है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, मतलब ये भी हो गया माइनस 11, बल्कि मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, प्लस बी बराबर क्या हो गया, माइनस का 11, फिर उसके बाद प्लस ए इंटू बी, ए कितना है प्यारे बच्चों, माइनस 11, और फिर इंटू माइनस का 11 डिवाइडेड बाई, समझ में आ रहा है, सॉल्व करो, प्लस माइनस 11 यानी कि माइनस 11, माइनस 11 और माइनस 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 22, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 1.21। इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो आ जाएगा -20.79%। ये माइनस जो है माइनस बताता है कि डिक्रीज हो रहा है, क्या बताता है कि डिक्रीज यानी कि कमी हो रही है, ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। चलो ये सवाल बहुत प्यारा है, ठीक है, दो संख्याओं के बीच। अच्छा एक बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को तो आप जरूर देखते रहिएगा, लास्ट के टाइम पे आप स्क्रीनशॉट इसका लेकर के रखे रहिएगा, लास्ट के टाइम पे जब आप मतलब मान लीजिए ट्रेन में सफर कर रहे हो या आप कहीं भी बैठे हो, एक क्विक रिविजन देखने के लिए आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आपको एक दिमाग में एक खांचा तैयार रहे, ठीक है। दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 3630। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः 30 और 5 है, बड़ी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, बस इस चीज को समझो कि क्वोशेंट और रिमाइंडर कितना है, 30 और 5, जब बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा बोला है कि जब बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से, एल मतलब लार्ज, एस मतलब स्मॉल, बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशेंट कितना है बेटा, 30, ठीक है, भाजफल कितना है 30, और शेषफल कितना है 5, शेषफल कितना है 5, बात समझ में आ रही है, ठीक है। और एक और चीज दिया गया है कि एल माइनस एस, बड़ा माइनस छोटा बराबर कितना दिया है प्यारे बच्चों, 3630, क्लियर है। अब देखो आपको ये दो इन्फॉर्मेशन दे करके रखी है, तो यहां से हम क्या एक चीज बता सकते हैं, वही विभाजिता का नियम, कि डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, क्या ये चीज हम बता सकते हैं, हमें क्या बताना है, बड़ी संख्या यानी कि एल का हमको मान बताना है, क्या करो एस को एल के रूप में लिख दो, ठीक है, एस बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा एल माइनस 3630, ठीक है, और फिर इंटू 30 प्लस 5, और ये पूरा का पूरा क्या है, एल के बराबर। इसको बेटा देखिए सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करोगे तो एल का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 3755, ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन क्रमांक डी। सेशन पसंद आ रहा होगा बच्चों, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपके कमेंट्स जो बहुत मोटिवेट करेंगे और मोटिवेट करते भी हैं, ठीक, ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, किसी भी सवाल में या इसके अलावा भी कोई भी डाउट हो जरूर पूछिएगा।
है, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अगला सर, ये बहुत ही हल्का फुल्का सवाल है। कॉस्ट प्राइस दिया है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ इतना आर्टिकल, देन व्हाट इज द गेन परसेंट। मतलब कभी भी इस तरह का सवाल है, कुछ नहीं करना है। कॉस्ट प्राइस कितने आर्टिकल का बोला है, 2120 वस्तुओं का एसपी सेलिंग प्राइस कितने वस्तुओं के बराबर है, 1696 वस्तुओं के बराबर। ठीक है, कुछ नहीं करो, ऐसे सवालों में हमेशा रेशियो में बदल दो। क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सीपी और एसपी का अगर हम अनुपात लें तो हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा 1696 रेशियो 2120। ठीक है, अब इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो सिंप्लीफाई कर दो। ध्यान से देखो, इसको देखोगे दोनों को तो ये 8 से डिवाइड होगा, 8 का विभाजिता का नियम तो पता ही होगा। ठीक है, 8 2 16 और ये 12 8 96। ठीक है, ये देखो कितना हो जाएगा, 8 2 16 52, 8 6 48, 40 85 40। मतलब 212 रेशियो 265। अब ये और कुछ भी क्या कहते हैं, कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, बताना क्या है, गेन परसेंट बताना क्या है, गेन होगा ही। सीपी कितना है, 212 की चीज को 265 में बेच रहा है तो गेन ही होगा। दोनों का अंतर होगा बेटा 53। ठीक है, सीपी कितना है, 212 और इनटू कर देंगे 100। ठीक है, 53 कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 4 से कितने बार में जाएगा, 25 बार में। तो बड़े प्यार से जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 25% ऑप्शन क्रमांक सी। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने, और ये आज के सेशन का आखिरी सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे तरीके से देखो, तरीका बताऊंगा, ध्यान से। ठीक है, एक व्यक्ति के पास 30,500 रुपए की धनराशि है और ये उसको विभाजित करता है ए और बी। ठीक है, दो योजना है ए और बी में। ठीक है, ए में 12.5% के और बी में 15% के साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। ठीक है, सुनना ध्यान से, 30,500 रुपए हैं। ठीक है, जैसा बता रहा हूँ बस उस तरह से ध्यान दे रहे ना, बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर लेंगे चीज। इसको ये दो योजनाओं में निवेश करता है ए और बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, साधारण ब्याज पर। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि इतना 8625 है, तो योजना ए में निवेश की गई धनराशि क्या है, मतलब ए में कितना निवेश किया गया होगा हमें ये बताना है, मतलब इसका कितना हिस्सा यहाँ पे निवेश किया होगा। अब बेटा देखो, जब भी ऐसा सवाल आए, चीजों को सिंपल बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या करो, ए में मान लो 100x। ठीक है, आप बोलेंगे 100x क्यों, हम x मान सकते हैं, x भी मान लो, लेकिन 100x करके मानोगे तो बहुत आसान पड़ेगा, चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। अगर ये 100x है तो इसमें बी में कितना इन्वेस्ट किया होगा, 30,500 माइनस 100x किया होगा, हाँ कि ना। ठीक है, अब सीधे सीधे लगा देते हैं, मतलब इससे मिलने वाला जो ब्याज होगा इसको हम बोल देते हैं SIA कह दो, इससे मिलने वाला ब्याज क्या होगा, SIB। ठीक है, तो क्या सवाल में यही चीज बोला है कि SIA ठीक है प्लस SIB बराबर कितना है, 8625, यही चीज तो बोला। ठीक है, सॉल्व करते हैं, PRT/100 होता है, प्रिंसिपल कितना है 100x। ठीक है, रेट कितना है, ए के लिए रेट दिया गया है 12.5, बी के लिए कितना दिया गया है 15, तो 12.5 और कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है, into 2/100, क्लियर है। प्लस बी के लिए कितना हो जाएगा, 30,500, घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है, तरीका मैं बता रहा हूँ और उस चीज को ध्यान। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, रेट प्यारे बच्चों कितना दिया गया है 15, और 15 और फिर कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, बराबर कितना हो जाएगा 8625। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चीजों को अच्छे तरीके से, ठीक है, ध्यान से देखो, ये 100 से 100 कट गया। ठीक है, तो 12.5 × 2 करोगे कितना हो जाएगा 25, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं 25। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे 100 कॉमन दिख रहा है, ये बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये 100 से 100 हम क्या कहते हैं, कैंसिल कर दे तो ये भी 100 चला जाएगा, मतलब अपने को कुल मिला के क्या बचा, 305 × 30। ठीक है, तो ये हो गया 305 × 30 और फिर ये माइनस एक्स रह जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 30x और ये किसके बराबर है, 8625। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या रह गया, x के रूप में रह गया
और ये 305 इंटू 30 बराबर 8625, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 5x बराबर 305 इंटू 30 करो कितना हो जाएगा, 0, 35 जा 15 और 33 जा 9, 9150 माइनस 8625, ठीक है। कितना हो जाएगा सॉल्व कर देते हैं, 10 में से 5, ठीक है, और फिर 4 में से 2 हो गया 2, 11 में से 6 कितना हो गया 5, ठीक है। तो कुल मिला के x का जो मान हो गया ये हो गया, हाँ ठीक है ठीक है, 305 इंटू 30, ओके ओके ठीक है ठीक है, हाँ तो ये हो गया बेटा 5x, ठीक ना। 5x का वैल्यू कितना हो गया 525, ठीक। x निकालने जा रहा था, x की कोई जरूरत नहीं है। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे बोला है कि स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट किया गया, ये बताओ 5x का मान 525 है, स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट किया गया है 100x, कुछ नहीं करना है, 5x को बनाना क्या है 100x, मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो 20 से मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा 100x, जिसका कि मान बताना है। तो सेम वही चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 525 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 10,500 है, और यही होगा सर्वोत्तम उत्तम आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन क्रमांक डी हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई है, इस तरह का सवाल कभी भी पूछे तो 100x करके सॉल्व करना, देख रहे हो कि बड़ी से बड़ी संख्या कितना आसानी से एक लाइन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं, ठीक है। SI और ASI का जैसा मैंने बताया है, SI में गोपनीय विभाग में, ASI में अकाउंट्स और लेखा विभाग में, मतलब क्लेरिकल पोस्ट का निकला है, तो उसका नोटिफिकेशन मैंने लिंक में दिया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, वीडियो पसंद आएगी लाइक करो या ना करो बेटा, लेकिन एक बार कमेंट जरूर कर देना वीडियो कैसी, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पर ही हम करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगले सेशन में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी जल्दी आपका सिलेक्शन।